फ्रेंड्स, कैलीग्राफी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर हमने र यहाँ पर अक्षर निकाले हैं, और र अक्षर के हर एक जो उसको संलग्न होता है उसको ही ज्वाइंट अगर निकाल सकते हो आप, तो ये है र, उसके बाद स, य, ख, उसके बाद श। तकनीक वही होती है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि हमने बताया कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए, एक तो आप दो लाइन्स या फिर बॉक्स में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मान लीजिए आप र की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको ये कन्वीनियंटली यहाँ पर र बस ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा निकालना है, ताकि आप जो सिमिलर वर्ड आगे निकालने वाले हो या आपकी जो थिकनेस है वो सेम अगर होती है तो आपका लेटरिंग काफ़ी अच्छा हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर र निकाला है, बस उसको स्टार्टिंग से ही हम यहाँ पे छोटा सा राउंड निकाल रहे हैं, और ये आपका श पूरा हो सकता है। और एक चीज़ यहाँ पर हम ज़रूर बताएंगे कि हम बॉक्स में निकालना है, आप में बॉक्स मतलब जो यहाँ पर थिकनेस यहाँ पर दिया है हमने श को, यही आपका य या फिर जो थोड़ा बड़ा अक्षर होता है, ये सिंगल से भी बड़ा होता है जो य होता है, श या ख वो, और ये श मतलब जो भी है आपको बस उसी में ही उतने ही थिकनेस में आना चाहिए। ये देखिए, अगर बॉक्स का साइज इतना ही है, मतलब आपका जो लेटरिंग आप पूरा करने वाले हो, आपके जो लेटर है उसका साइज अगर मेंटेन होता है, तो आपका जो लेटरिंग है वो काफ़ी अच्छे से आ सकता है और खुल के आ सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप पुणे में है और आपको कोल्हापुर चप्पल लेनी है, तो आप रेणुका लेदर वर्क्स 660 गणेश पेट में आप जाकर कोल्हापुर चप्पल ले सकते हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरायटी कोल्हापुर चप्पल की अवेलेबल है, और काफ़ी मिनिमम रेंज से यहाँ पर कोल्हापुर चप्पल स्टार्ट होती है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये बेसिक टेक्निक भी अब यहाँ पर आपने सीखा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आपको हम अश्योर करते हैं कि आपको ये जो लेटरिंग है, ये जो कैलीग्राफी है रंगोली की, आपको ये आसान और कन्वीनियंट हो सकता है निकालने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।